असलम स्टूडेंट्स वर यू ऑल यर स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री ऑफ एक्सरसाइज टू सी सो लेट स्टार्ट ओपन पेज नंबर सिक्सटी नाइन दि इज एक्सरसाइज टू सी क्वेश्चन नंबर वन इज़ फिलिंग द ब्लैक् कह रहे हैं कि ब्लैंक्स को फिल करें ए में गिवन है एट मल्टीप्लाई ज़ीरो स्टूडेंट किसी भी नंबर को जब हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो नंबर ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो एट जीरो जीरो आएगा ठीक है यहाँ पर आप देखें ये टू थ्री जो सिक्स है ये ये इक्वल का साइन शो कर रहा है कि इस दो तीनों साइड जो आपस में जो है वो बराबर है तो थ्री टू तो द दिक्स बनता है यहाँ पर तो टू तो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आएगा थ्री से और थ्री टू द दिक्स ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा ठीक है एटीन मल्टीप्लाई फाइव सी पार्ट है सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट जब भी एड सब्जेक्ट किया मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेश हमेशा जो है ये राइट साइड यूज़ की जाती है ठीक है राइट साइड में जो पहले डिजिट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ए का टेबल एट तक पढ़े या एट का डबल फाइव तक पड़े एट फाइव जो फोर्टी या फाइव एट जॉ फोर्टी जीरो लगेगा फोर जो आगे कैरी ले जाएंगे दो जब दो नंबर रहेंगे ना दो डिजिट सॉरी ये फोर्टी आ गया ना तो एक नंबर इधर लगाएंगे दूसरा नंबर हम लोगों ने आगे कैरी ले लेना ठीक है अब फाइव वन जो फाइव फाइव में ये जो कैरी आता है उसको प्लस करते हैं ठीक है फाइव वन जो फाइव फाइव में फोर प्लस करें क्या आ जाएगा नाइन हमारा आंसर क्या आ गया है अब फोर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास फोर्टी पांच हमें पता है फोर टेन जो फोर्टी होता है अब फिफ्टीन को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आंसर हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाए फिफ्टीन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से मैंने आपको पहले ही बताया कि जब किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर जीरो में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू है स्टेट वेदर द फॉलिंग कहता है बताएं स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है ए में कह रहा है वन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय टेन कहता है जब एक नंबर को टेन से मल्टीप्लाई किया जाता है द नंबर इट्स सेल्फ शिफ्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट कहता है वो नंबर जो है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में एक कॉलम में कैसे ये मैं आपको बताती हूँ जैसे ये नंबर है मैं यहाँ पर लिखती हूँ थर्टी थर्टी नहीं लिख टेन टेन मल्टीप्लाई फ़ोर ये एक नंबर है ना इसको टेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है अब देखें टेन फोर जा कितना हो गया फोर्टी फोर जीरो जीरो हो गया ना 4, 0, 4, 1, 0, ये देखिए फोर जीरो जीरो और फोर वन ज़ा फोर ये नंबर उसने बोला कि लेफ्ट साइड पे कॉलम में शिफ्ट हो गई ये देखिए ये दो कॉलम बन गए हैं एक ये है और एक ये कॉलम है ठीक है अगर ये देखें दो कॉलम है ना इस तरीके से तो उसने यही कहा है कि जो वो नंबर है वो लेफ्ट साइड पर एक कॉलम में शिफ्ट हो जाता है तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है बी में कह रहा है थर्टी टेन जो थ्री जीरो वन जीरो थर्टी टेनजा थ्री हंड्रेड होता है तो इट्स मीन स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है अब अब है हमारे पास ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू हंड्रेड कर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड है स्टूडेंट जी मैं आसान से आपको बताती हूँ जब हमारे पास ये जीरोज़ की फॉर्म में नंबर हो तो उसको हम लोग टाइम भी कम हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ठीक ah. है अब देखें ये जो पहले नंबर होंगे ना जैसे ये ट्वेल्व है ट्वेल्व को टू से मल्टीप्लाई करें कि आ जाएगा ट्वेल्ल टू दा ट्वेंटी फोर बाकी जितने जीरोज़ हैं वो गिन के लगाने हैं जैसे वन टू वन टू इट्स मीन हमारा आंसर क्या है ट्रू है यही वाला फार्मूला आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं थर्टी है थर्टी को वन से मल्टीप्लाई करें थर्टी वन दा थर्टी बाकी कितना जीरो रह गया वन तो एक साथ जीरो आएगा लेकिन ये देखिए यहाँ पर इन्होंने वन लगाया हुआ तो इसलिए ये राउंड हुआ है ठीक तो है अब कहते हैं फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सिक्स इक्वल है सिक्स मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री इन्होंने जगह आगे पीछे की हुई नंबर्स वही जब ज़्यादा जब मल्टीप्लाई करना है आप सिक्स को, 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 को थी से कर लें या सिक्स को थ्री को सिक्स से कर लें या सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर तो एट ही नहीं आएगा तो इस सूरतों में ये ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है ये टू है ठीक है अब इन इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा ठीक है ई में कह रहा था टर्म प्रोडक्ट इन इन द रिज़ल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू और मोर नंबर्स कहते हैं जो टर्म प्रोडक्ट है वो कैसे आती है जब दो नंबर्स को या दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड किया जाता है तो ये रॉन्ग है प्रोडक्ट जो है हमेशा जो है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है ठीक है ये फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट ठीक है थ्री में कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कहते गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर मालूम करें अब देखिए एट मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू कहते इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके इक्वल आता है एट थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा ठीक है जीरो तो हमारा आंसर है बी में कह रहा है ये फोर ट्वेंटी मल्टीप्लाई वन हंड्रेड इज इक्वल टू अब मैंने आपको जो रूल बताया ये देखिए फोटी टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी टू आ गया बाकी कितने जीरो रह गया वन टू और एक कि इसका थ्री थ्री जीरो तो ये आंसर है हमारा ठीक है इसको सेलेक्ट करना है आपने ऐसे सी में कह रहा है फिफ्टी एट मल्टीप्लाई थ्री जीरो ठीक है तो फिफ्टी एट को थ्री से मल्टीप्लाई कर लें ये देखें फिफ्टी एट को थ्री से मल्टी ये जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी जीरो को एट से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो फाइव जीरो जीरो इधर पहले वाले के नीचे जो है ऐसे क्रॉस का निशान लगा लें जीरो लगता है यहाँ पर ठीक है जब भी हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है अब जैस जिस तरतीब के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया था इसी तरतीब के साथ आप थ्री को करना है एट के साथ मल्टीप्लाई थ्री एट ज़र ट्वेंटी फोर फोर आ गया टू कैरी चला जाएगा फाइव के ऊपर फाइव थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन में टू प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा सेवनटीन अब प्लस इन दो जो आए हैं नंबर इनको प्लस करना है जीर, ये जीरो जीरो एज इट इज़ आएगा जीरो में फ़ोर प्लस करेंगे फोर आ जाएगा इनके ऊपर कोई डिजिट्स नहीं है तो ये वन सेवन ही आएगा वन सेवन फोर ज़ीरो वन सेवन फोन जीरो हमारे पास मौजूद है ऑप्शन में ये है इसको सेलेक्ट कर लेना ठीक है आगे है हमारे पास डी है डी में कह रहा है टेन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एट सेवन जीरो जीरो आए अब स्टूडेंट एक जीरो मौजूद है बाकी हमारे पास ये ये नंबर मौजूद नहीं है ना एट सेवन जीरो तो एट सेवन जीरो है यहाँ पर ये ऑप्शन में मौजूद है ठीक है तो इसको आपने क्या कर लेना है सेलेक्ट कर लेना है ई में कह रहा है सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई फाइव तो सिक्सटी थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई कर ले सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई फ़ाइव अब इस साइड से मल्टीप्लाई करना है राइट साइड सा, से हमेशा फाइव सिक्स फिफ्टी फाइव लगेगा वन कैरी चला जाएगा सिक्स के ऊपर सिक्स फाइव सिक्स फाइव जै या फाइव सिक्स जै थर्टी थर्टी में वन प्लस करेंगे तो थर्टी वन ये थ्री हंड्रेड फिफ्टीन आया तो थ्री हंड्रेड फिफ्टी हमारे पास ऑप्शनस में मौजूद है ये वाला ठीक है इसको सेलेक्ट कर लेना आपने ये कितना ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि टेबल्स जो है वो आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए टेबल्स के बगैर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी ठीक है तो अच्छे से टेबल्स आप लोगों ने याद करने हैं अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़